रुक कर लेते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में टीम 9 के अफसरों के साथ मीटिंग की है। इस बैठक के दौरान कोरोना को लेकर चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राजधानी लखनऊ में यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में नए मुद्दे और नए वादों के साथ मैदान में उतरी कांग्रेस। चुनाव प्रचार और धार देगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर गांव में कांग्रेस प्रतिज्ञा चौपाल लगाएगी। अपने पदाधिकारियों को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इस चौपाल में जनता से संवाद किया जाएगा। रोज 2-3 गांव में प्रतिज्ञा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कोविड-19 को लेकर बड़ी सभाओं का आयोजन स्थगित कर दिया गया है, लेकिन छोटे कार्यक्रमों पर रोक नहीं है, जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी गांव, मोहल्लों, वार्ड में प्रतिज्ञा चौपाल का आयोजन करेगी। इससे कांग्रेस पार्टी के राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारी शामिल होंगे। इन चौपाल में गांव के किसान, मजदूर, युवा और महिला सम्मिलित होंगे। वहीं प्रतिज्ञा चौपाल में गांव में कोविड को लेकर जागरूकता और सावधानी बरतने पर भी चर्चा की जाएगी। चौपाल में मास्क आवश्यकता अनुसार दवा भी बांटी जाएगी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यूपी में बीजेपी से छुटकारा 1947 की तुलना में बड़ी आजादी होगी। यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसलिए भाजपा औरंगजेब और बाबर को याद कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे, जिसके बाद वे कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के समर्थन में डोर टू डोर चुनावी प्रचार भी करेंगे। मकर संक्रांति के बाद सर्दी ने और सितम धागना शुरू कर दिया है। प्रदेश में पश्चिमी हिस्सों से लेकर पूरब तक तापमान में भारी गिरावट और सर्द हवाओं के चलते गलन चरम पर है। मौसम वैज्ञानिक ने कही कि 1-2 दिन में बारिश का अनुमान भी लगाया जा रहा है। सुल्तानपुर में न्यूनतम पारा लुढ़क कर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। उधर सीतापुर जिले में भी ठंड का कहर जारी है। यूपी में सोमवार को कोरोना के नए मरीज की रफ्तार में थोड़ा सा ठहराव आया है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने संक्रमण को भी मात दी है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में कुल 2,16,152 कोविड सैंपल की जांच की गई है। संक्रमण के 15,622 नए मामले मिले हैं, जबकि 12,402 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं 9 की जान भी चली गई है। बीते करीब एक महीने से लगातार बढ़े कोरोना मरीजों की रफ्तार मंगलवार को कुछ कम हुई। प्रदेश में सर्वाधिक 2,716 केस लखनऊ में मिले हैं, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 2,154, गाजियाबाद में 1,281 केस मिले हैं। संबल की असमोली से विधायक और सपा प्रत्याशी पिंकी यादव सहित 50 से 60 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पिंकी यादव पर बिना अनुमति चुनावी सभा पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। हर कोई अपनी अपनी मौजूदगी अलग अलग ढंग से दर्ज करा रहा है। प्रयागराज में सोमवार को शाम होते ही मार्केट में निकले मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जलेबी की दुकान पर जलेबी बनाकर जनता से वोट मांगा। दुकान पर मौजूदा जनता ने भी जमकर नंद गोपाल नंदी की विजय होने की नारेबाजी की है, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ने जलेबी छान कर लोगों का मुंह मीठा करवाया। वहीं जलेबी छानने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में करोड़ों रुपए की अष्टधातु की मूर्तियां मंदिर से चोरी हो गई है। चोरों ने मंदिर से राम जानकी और राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी की हैं। बता दें कि मंदिर का ताला तोड़कर बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हाथरस के सासनी कोतवाली क्षेत्र में सब्जी मंडी से गाड़ी सुसाइड देने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसका दर्शकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र में कार में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद ड्राइवर ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। माघ मेले के दूसरे स्नान पर पौष पूर्णिमा की डुबकी से पहले ही एक कल्पवासी समेत 5 संक्रमितों की पाए जाने की चिंता बढ़ गई है। देवरिया में उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन पर पर्यवेक्षण में केंद्रीय बल की ओर से फ्लैग मार्च कर आम जन को सुरक्षा का एहसास कराया गया है। 3 पुलिसकर्मियों के अलावा एक ठेकेदार का आदमी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया है। जांच में 322 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 169 लोगों की अस्पताल से छुट्टी दी गई है। वहीं आज एक संक्रमित की जान भी चली गई है। ये संक्रमित तब मिले हैं जब पौष पूर्णिमा स्नान के लिए संतों भक्तों और कल्पवासियों की भीड़ आने लगी है। शिविरों में पूजा पाठ और वेदियों पर संकल्प के साथ महीने भर का जप तप ध्यान आरंभ हो जाएगा। चित्रकूट के रेलवे क्रॉसिंग खो पर गिट्टी लदे ट्रक के पलटने से 2 गाड़ी ट्रक के नीचे दब गई हैं, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फंसे हुए लोगों को राहत बचाव के कार्य में जुट गई। यूपी विधानसभा चुनाव दृष्टिगत झांसी में शासन और आबकारी आयुक्त के निर्देश अनुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चुनाव को देखते हुए शराब के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब बरामद कर रही है। बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते 4 पहिया गाड़ी में आग लग गई। इस दौरान ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव खेत में पड़ा मिला है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं में अज्ञात वाहन में बाइक सवार को टक्कर मार दी है। टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही जान चली गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश की। बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में पुलिस ने सीआरपीएफ के जवान और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर आगामी विधानसभा चुनाव को शांति ढंग से संपन्न कराने के लिए लोगों को जागरूक किया। बरेली में घर से बुलाकर ले गए लोगों ने आशा वर्कर पर जानलेवा हमला कर दिया है, जिसके बाद गंभीर हालत में आशा वर्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। चुनाव के मद्देनजर देहरादून में बीजेपी की आज पहली वर्चुअल जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संगठन मंत्री अजय कुमार मौजूद रहेंगे। वहीं लाइव लिंक के माध्यम से भाजपा नेताओं ने उत्तराखंड की जनता को संबोधित किया। उत्तराखंड में कोरोना के 3,295 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4 मरीजों की जान भी चली गई है। इसी के साथ प्रदेश में 18,196 कोरोना केस एक्टिव हैं। रामनगर में एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में कोरोना वायरस पर जारी एसओपी की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई भी जारी दिखी, स्कूलों में बच्चे आते जाते दिखे। हरिद्वार में पुलिस शराब माफियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान पुलिस ने छापेमारी करते हुए 135 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। वहीं पुलिस ने कच्ची शराब के साथ एक शराब माफिया को भी हिरासत में लिया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने 37 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी ने पहली सूची में हरिद्वार जनपद की 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। आपको बता दें कि बीएसपी ने उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने हरक सिंह रावत पर हमला बोला है। उनका कहना है कि हरक सिंह दबाव की राजनीति कर रहे हैं और अपने परिवार की ही उलझ कर रह गए हैं। हरक सिंह रावत, आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो हमेशा विवादों में क्यों रहते हैं। भारतीय समय के अनुसार आज रात करीब 3:21 पर कुतुब मीनार में 11 गुना बड़ा 1 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्राइक करीब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से 19 लाख किलोमीटर की दूरी पर से गुजरेगा।
इस एस्टेरॉयड का नाम 1994 PC-1 है। अंतरिक्ष के हिसाब से ये दूरी बहुत ही कम है और आमतौर पर एस्टेरॉयड इससे कई गुना ज्यादा दूरी से गुजर जाते हैं। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसको विशाल आकार और गति को देखते हुए इसे संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड की श्रेणी में रखा है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक सरिता आर्य भाजपा में शामिल हो गई हैं। उन्हें देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी में शामिल किया गया है। बता दें कि सरिता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के कांग्रेस में आने से नाराज है। वे नैनीताल सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। फरुखाबाद में पंचला घाट पर मेला रामगरिया में के उद्घाटन समारोह में दीपोत्सव का आयोजन हुआ, जिससे गंगा तट जगमगा उठा है। वहीं वाराणसी से आए विद्वानों ने मां गंगा की आरती की। इस दौरान लोगों ने श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। सुल्तानपुर में AIMIM के प्रत्याशी आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, जहां आधी रात को प्रत्याशी जमकर नारेबाजी के साथ प्रचार कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कानपुर में बंद घर में चोरों की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लग गई। वहीं दो अन्य बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। हमीरपुर के ललापुर थाना क्षेत्र के खाई में बाइक पलट गई, जिसमें दो युवक की मौके पर ही जान चली गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर में अज्ञात व्यक्ति ने जिला प्रशासन और वकीलों को धमकी दी है। धमकी देने वाला का दावा है कि वो विधायक बनने के बाद वकीलों के घर जला देगा, जिसके बाद अभियुक्तों ने ट्विटर हैंडल पर मामले की शिकायत की है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने वीडियो में धमकी देने वाले की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। कन्नौज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिले में कई जगह पोलिंग का निरीक्षण किया है और चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को सख्त हिदायत दी है। वहीं पोलिंग केंद्रों पर रोजगार सेवकों न मिलने पर DM ने नाराजगी भी जताई है। ललितपुर के रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट पर अधेड़ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। रायबरेली में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर का ग्राहक से अभद्रता का वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्राहक को बताया जा रहा है भिखारी और अपने आप को 50 बीघे का काश्तकार बताया जा रहा है। कानपुर में जबरन धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। धर्मांतरण कराने का दबाव डालने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही है, जो अपनी पत्नी और बेटे पर जबरन धर्मांतरण कराने का दबाव डाल रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बीते कुछ समय पहले धर्मेंद्र उस पर और उसके बेटे पर जबरन अपना धर्म बदलने का मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव डाल रहा था। जबकि पीड़िता ने विरोध किया तो धर्मेंद्र ने उसकी बेरहमी से पिटाई भी कर दी, साथ ही अपने 5 साल के बेटे को जान से मारने का प्रयास भी किया। कुशीनगर के तमकुही तहसील में कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में माल बाबू प्रभारी रामचंद्र के लिए पैसा देने की बात कर और विभाग के कुछ कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए देखा जा रहा है। जालौन के ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। बता दें कि गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट ने कालपी तहसीलदार पर जबरन मारपीट कर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है। कानपुर देहात में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने को लेकर जिला अध्यक्ष और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष मतदान करने के लिए प्रेरित किया। हरदोई में भयंकर कोहरे से हाईवे की विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार काफी कम हो गई है। वहीं कोहरा इतना जबरदस्त है कि 20 मीटर की दूरी देखना भी मुश्किल हो गया है। गोंडा के कैरानलागंज
रेलवे स्टेशन पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक युवक की मौके पर ही जान चली गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच में जुट गई। अमेठी में मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रायबरेली में सेरनी विधानसभा क्षेत्र से बदलाहा सड़क से परेशान ग्रामीण ने प्रवेश द्वार पर होर्डिंग कर और बैनर टांग दिया है कि और उसमें लिखा है दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीण की माने तो कई दशक से उनके गांव के में मुख्य मार्ग बदहाल है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।